जे परवर्ती खबर को कैप्टेन को पर किए पंजाब परवर्ती मुख्यमंत्री किए हम ताकू लागि रही कल्पना जल्पना। पूर्वतन केन्द्रमंत्री अंबिका सोनी पंजाब पूर्वतन पीसी सभापति सुनील जाखर प्रताप बाजवा मंत्री सुखजिंदर रांधवा सुखविंदर सिंह और तृप्त राजिंदर बाजवा ना को नहीं जोरदार चर्चा आरंभ हो मिलता सूचना अनुजाई अंबिका मुख्यमंत्री हवाक अनिच्छा प्रकाश करते जन शिख संप्रदायर नेता मुख्यमंत्री हवा उचित बोली अंबिका कहते अंबिका पर सुनील जाखर दौड़ रेस अच्छा नुआ नेता बाछवाई सकाल एगारटे होगा विधायक दल बैठक को दिन गोटे को घुंचाई दीजिए। पंजाब विधानसभा बोर्ड 117 आसन कांग्रेस पाखे 80 आसन रही बेले आप पाखे रही 16 और अकाली दल पाखे रही 14 आसन। पंजाब में जन मुख्यमंत्री और दुईज उपमुख्यमंत्री फर्मुला को आपणवाक चाहते कांग्रेस हाइकमांड नहीं नहीं कोई इस तरह का इशू नहीं है कोई पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस हुई है। मैं तो ऑलरेडी टाइम लिया होया सीगा जाखड़ साहब तो वी आर वेटिंग फ्रॉम साडे जिहड़े ऑनरेबल प्रेजिडेंट आ मिसेस सोनिया गांधी तो उन्हां तो असी उन्हां दे हुक्मां दी उन्हां दी उडीक कर रहे हैं। जदों उन्हां दी फाइनल हो गया तो इमीडिएटली CLP दी मीटिंग विच डिसाइड हो जाएगा। यस्टरडे देयर वाज अ रेजोल्यूशन which was unanimously accepted by the house and we have given this to Madam Sonia Gandhi. Whatever the decision she is going to take we will all accept. See, ultimately it all depends on the high command. I have nothing to say on this. बर्तन क्या पंजाब राजनीति को समस्त पूरा नजर रही पंजाब मुख्यमंत्री परवर्ती मुख्यमंत्री किए हाँ नहीं गोटे प्रकार कल्पना जल्पना आरंभ हो पंजाब पूर्वतन केन्द्रमंत्री बा पूर्वतन केन्द्रमंत्री जी रही अंबिका सोनी पंजाब पूर्वतन पीसी सभापति सुनील जाकर प्रताप बाजवा यह सब रेस रही किंतु अंबिका सोनी मुख्यमंत्री हाँपाई गोटे प्रकार अनिच्छा प्रकाश करतीर जहाँ सूचना सूत्र खबर मिली से जे शिख संप्रदायर व्यक्ति को मुख्यमंत्री करने चाहते और सबुठ बड़ कथ रही जड़े मुख्यमंत्री दुई उपमुख्यमंत्री फर्मुला को आपणवाक चाहिए दल अधिक आलोचना करने आम प्रतिनिधि न्यूज 18 प्रतिनिधि रवि मिश्रा सीधा सड़क जोड़ते रवि जी क्या कहना चाहेंगे अभी नेक्स्ट सीएम कौन बनेगा अधिक अभी जानकारी क्या है आपके पास। जी देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे से अभी काम नहीं बना है। अब अगली कोशिश अगली कवायद है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कल CLP की बैठक हुई थी जिसमें तमाम ऑब्जर्वर और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत और CLP के तमाम विधायक भी मौजूद थे। आज दोबारा 11 बजे CLP की बैठक होने वाली थी पंजाब कांग्रेस भवन में, वो बैठक अब टल गई है, वो बैठक नहीं होगी। अब सीधा सीएम के चेहरे की घोषणा होगी। इस नाम में कई नाम अभी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी हैं उनका नाम भी इसमें आगे चल रहा है। वहीं बात करें प्रताप सिंह बाजवा सुखजिंदर रंधावा और नवजोत सिंह सिद्धू भी कांग्रेस के अगले सीएम की रेस में है, मगर फैसला आलाकमान करेगा और सब कुछ आलाकमान पर ही निर्भर करता है। तो अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आने वाले कुछ ही घंटों में नए मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा हो सकती है। जैसा आपको बता दूं कि सीएम ने कल रिजाइन देने के बाद ये जरूर कहा अमरिंदर सिंह ने कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं चाहते कि वो मुख्यमंत्री ना बने, लिहाजा नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पे भी सवाल बना हुआ है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री का चेहरा बनते हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में किस तरीके से अपनी आगे की राजनीति चलाएंगे, वो भी एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली से लेकर पंजाब तक सियासी हलचलें तेज हो गई हैं और अगले कुछ घंटों में आलाकमान यानी दिल्ली कांग्रेस में बैठे हुए तमाम बड़े नेता डिसाइड करेंगे और जल्द ही नए मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी जाएगी। रवि जी ये कहना ये एक सूत्र से जानकारी मिली है कि अंबिका सोनी ने वो चाहते हैं कि सिख संप्रदाय कोई सीएम बने, इसके लेकर आपका क्या राय है, क्या जानकारी है? ये बिल्कुल देखिए अंबिका सोनी कांग्रेस की एक बड़ी वरिष्ठ नेता है और उनका नाम आगे चल रहा था और जिस तरीके की सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खबरें आ रही हैं कि अंबिका सोनी ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री पद लेने से इनकार कर दिया है, मगर उन्होंने ये जरूर आलाकमान को रास्ता सुझाया है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो एक सिख चेहरा ही मुख्यमंत्री बनेगा। जैसे कि 2022 में पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, चुनाव में पार्टी को ग्राउंड लेवल पर ब्लॉक लेवल पर बूथ लेवल पर काफी काम करना है, ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा नॉन सिख अगर होता है तो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि आने वाले चुनाव में खराब हो सकती है। इसीलिए सिख चेहरे पर अभी पार्टी आलाकमान फोकस कर रही है कि अगला मुख्यमंत्री
हो सकता है कि सिख चेहरा ही होगा। इसमें अंबिका सोनी ने भी सुझाव दिए हैं, सुजिंदर रंधावा, प्रताप सिंह बाजवा, नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील जाखड़ का भी नाम आगे चल रहा है। अब कौन मुख्यमंत्री बनता है ये तो आलाकमान तय करेगा, फिलहाल इसके लिए थोड़ा बेसब्री से इंतजार करना होगा। जी शुक्रिया जी तमाम जानकारी के लिए। सीधा सड़क आप शुणुते रवि मिश्र रही न्यूज एडिट प्रतिनिधि जहाँ सूचना सामनाक आसूसी जहाँ हाईकमांड ही पूरा निष्पत्ति ने कितु जहाँ आउ गोटे गोटे बड़ खबर आसूसी अंबिका सोनी गोटे प्रस्ताव देखते शिख संप्रदाय जुवक शिख संप्रदाय जन को मुख्यमंत्री करागले भल हाँ।